अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसएन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने अपनी फ्रंट एंड ऐप में, न्यूज़पेपर ऐप में, फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस में रजिस्टर एपीआई को इम्प्लीमेंट किया था। इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और लॉगिन की एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि यूजर हमारी ऐप में जो उसने अकाउंट क्रिएट किया है उसको रीयूज करते हुए लॉग आउट करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। और इस ही वीडियो में हम लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को भी प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हम लॉग आउट सिर्फ फ्रंट एंड पे कर रहे हैं। हम बेसिकली उसकी लोकल छोटी सी डिटेल क्लियर करके उसकी स्टेट को सेट करवा देते हैं, लेकिन बैक एंड में वो टोकन एक्सपायर नहीं करते, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। तो हम उस चीज को भी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे ब्राउजर में आ जाऊंगा और अभी तक हमने यहाँ तक काम किया हुआ है, इसको मैं लॉग आउट कर लूंगा। और जैसे मैंने कहा कि अभी लॉग आउट सिर्फ फ्रंट एंड पे हो रहा है, बैक एंड पे नहीं हो रहा, उसको भी हम कलेक्ट करेंगे लेकिन लॉगिन के बाद। यहाँ पे मैं कोड में आ गया और साथ ही मैं फ्रंट एंड का कोड भी ओपन कर लूंगा, इसको भी क्लोज कर लेंगे और यहाँ से हम लॉगिन के पेज में आ जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारा रजिस्टर में हमने ऑलमोस्ट सारा काम क्लियर कर लिया हुआ है। अब हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट ही मेनली करना है और मैं वही काम करूंगा। ऑलमोस्ट मैं यहाँ से सारा कॉपी करूंगा, इस टोस्ट को यहाँ से कॉपी किया और पर टोस्ट कॉल किया। एक चीज हो गई, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे और ये वाला काम करेंगे जो कि हमें चाहिए उसमें। इसको क्लोज कर दूंगा मैं और इस चीज को ये कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर लॉग इन है, ये दो फील्ड्स हैं तो इन दो फील्ड्स को ही रहने देंगे, बाकियों को डिलीट कर देंगे। और रजिस्टर में आके मैं इसको थोड़ा सा इसके नाम को चेंज कर दूंगा सिर्फ, इसको रजिस्टर्ड यूजर कह दूंगा ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा देखने में बेहतर है। और इसी चीज को मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा, यहाँ पे लॉग इन यूजर कह दूंगा ऐसे, ये चीज, और इसको सेट कर लेंगे, इसको सेट कर लेंगे और इसमें इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ये एसिंक हो जाएगा, ये कॉल कर लेंगे, इसको लॉगिन कह देंगे। अच्छा, ये एपीआई यूआरएल में शायद मैं अभी यूआरएल नहीं ऐड किए, तो इनको ऐड कर दूंगा मैं, लॉगिन और लॉग आउट का। लॉगिन, लॉग आउट, गेट यूजर डाटा और गेट यूजर डेटा, इसी को कॉपी कर लो। अपडेट यूजर डेटा और इसी के साथ ये चीज हो गई, इसको ये कर देंगे, इसको ये कर देंगे, ये चीज, ये सारा कुछ हम सिर्फ कहने के। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा कोड डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये यूआरएल चेंज है, इस तरह की चीजें चेंज है, तो अगर इसको एक जगह पे करने की कोशिश की तो ज्यादा इश्यू ना होने लगता है। इस वजह से आई थिंक कि इसके साथ गुजारा किया जा सकता है। ओके, ये मैसेज मैं सिर्फ एक जगह पे मूव कर दूंगा, इनवैलिड यूजर डाटा फाउंड, ट्राई अगेन लेटर, इसको मैं मैसेजेस में बस मूव कर दूंगा, जो एक चीज हो सकती है। ओके, डाटा बाकी आई थिंक ठीक है। और यहाँ पे ये जो थी, इसको भी मैं जो हार्म हो रहा था उसे भी खत्म कर दूंगा। एक चीज जो मैं यहाँ पे करूंगा वो ये होगी कि मैं यहाँ पे एक स्विच प्रोवाइड करूंगा कहीं पे, जिसका काम ये होगा कि वो फ्रंट एंड वैलिडेशंस को स्टॉप कर देगा ताकि हम बैक एंड वैलिडेशन को चेक कर सकें, क्योंकि बैक एंड वैलिडेशन भी इम्प्लीमेंट हुई है। अदरवाइज ऑब्वियसली, क्योंकि हम ये टेस्ट ऐप बना रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं शो करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो भी इम्प्लीमेंट किया। ओके,
इसको देखते हैं, ये अभी के लिए प्लीज एंटर वैलिड डाटा, ये सारा कुछ हो रहा है। और अब अगर मैं इसको करता हूँ लॉगिन, बाकी सारा कुछ हो चुका है, मेरे ख्याल से इसी से ये काम हो जाना चाहिए। सबमिट हो गया, ले लॉगिन हो गया। तो ये काफी, जैसे मैंने कहा ये काफी आसान था, तो ये चीज सारी क्योंकि मैं पहले किया था, यहाँ पे सिर्फ डुप्लीकेट ही था। ओके नेक्स्ट, अब एक मैं यहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने अभी कहा, मैं फ्रंट एंड यहाँ पे एक स्विच प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, जिसका पर्पज ये होगा कि वो फ्रंट एंड वैलिडेशन को ब्लॉक कर देगा, मीन स्टॉप कर देगा, और हमारी बैक एंड वैलिडेशन किक इन करेगा, वो हम नेक्स्ट करेंगे। उस चीज को चेक करने के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे एक नीचे एक सेक्शन क्रिएट करूंगा, और उसके लिए मेरे जेन में एक बड़ा ही अच्छा सेक्शन आया, Radix UI, उसमें आते हैं उसके कंपोनेंट्स में, और यहाँ पे एक है था बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वो सेक्शन था, सी से उसका नाम था। ओके प्रिमिटिव्स में जाते हैं, गेटिंग स्टार्टेड में, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू नहीं, ये नहीं, ओके अकॉर्डियन अलर्ट डायलॉग नहीं, एक्सपेक्ट रेशियो नहीं, क्लासिकल कॉन्टेक्ट फॉर्म प्रीव्यू होवर कार्ड, ये वो दे दिया उसको दिस दैट। ओके वापस आते हैं थीम में, गेटिंग स्टार्टेड रिलीजेस डार्क डेज, ये नहीं। ओके हाँ ये कर्सर्स थे, तो इनका क्या था, डिफॉल्ट चेक, ओके अलर्ट डायलॉग नहीं, ये था कॉल आउट। ओके इसको मैं यूज करूंगा क्योंकि ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा लगा था। फॉर्म हमारा हो गया, यहाँ पे ये फॉर्म है, ये हमारा टैक्स है, और उसके बाद हम ये कॉल आउट यूज करेंगे, कॉल आउट दिस एंड दैट, लेट्स सी, ये वेरी गुड। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें स्पेसिंग चाहता हूँ, और जरा ज्यादा स्पेसिंग चाहता हूँ, जो कि लेट्स से 5 नहीं कम है, 10 नहीं 9 है सच। ओके दैट्स इट, ये है। और ओके ठीक है, और इसको बेसिकली अब मैं एक लेवल में लेके जाना चाहूँ, जिसको कि मैं
ओके यहाँ पे हमने ये चीज क्रिएट कर ली है, और यहाँ पर अब एक मुझे लोकल स्टेट चाहिए। यहाँ पे हम यूज स्टेट यूज कर लेंगे। वंस अगेन इसकी कोई इतनी खास जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके इंप्लीमेंट किया तो हम दिखाना चाह रहे हैं। ओके नेबर, और इसको बेसिकली इसकी बजाय मैं वो चूज करूंगा आइटम स्टेट, क्योंकि ये मुझे वहां पे भी चाहिए होगी। स्टेट फॉर्म स्टेट एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट फॉर्म आइटम की ओके यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे और इसे की असाइन कर देंगे। और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ इसे ये बताना है कि ये अनेबल्ड है कि नहीं। फ्रंट एंड फॉर्म वैलिडेशन अनेबल्ड इज अनेबल्ड बूलियन डिफॉल्ट False. या ट्रू, शुरू में ट्रू और उसमें वापस एक दफा हम इसको अंडरस्कोर ठीक है। यहां पे आ जाएगा यूज रिकॉइल स्टेट और इसको इंपोर्ट कर लेंगे, और इधर अब इसकी बेसिकली कंपोनेंट स्टेट की जो जाएगी आ जाएगा। ओके और अगर ये अनेबल्ड है तो अनेबल्ड, अदरवाइज डिसेबल्ड। और चेक एंड ऑन चेंज यहां पर वैल्यू और ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के ये है कौन सा ये अब देखने पड़ेगा। रेडिक्स यूआई इसमें स्विच कहाँ पर है मेरा, और इसके डिफॉल्ट चेक ये हाई दिस एंड दैट। ओके मुझे इसको करके देखना पड़ेगा। लेट्स वैल्यू console dot log value, simple as that. ये कहीं पे यूज हो रहा है, यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे आ जाएंगे। और ये क्या रिफ्रेश करने पे जाता है, नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहा है, p div
एंड नॉट अपियर एज डिसेंडेंट ऑफ दिस. अच्छा, देव कैन नॉट अपियर एज डिसेंडेंट ऑफ दिस. ये मेरे ख्याल से यहीं पे कोई मसला होगा. एच वन, ओके, ये कहाँ पे मसला हो गया? ओके ठीक है, अब इस चीज को कॉल करो यहाँ पर. ओके अभी भी ठीक है, और अब इस चीज को अनलॉक करो. ठीक हो गया. अब कहाँ पे मसला आ रहा है? मेरे ख्याल से शायद इस चीज पे मसला आ रहा है. ओके, इसी पे मसला आ रहा था. ये पी है और ये डिव है. ओके इसको वैसे ही मार्जिन राइट दे देते हैं. मार्जिन राइट लेट्स से 5. ओके और ऑन चेंज.